क्या रोल है, कौन कौन से फंक्शन ये कर रहा है। आफ्टर दिस हम बात कर रहे हैं प्लांट और वॉटर के बीच में जो जो रिलेशनशिप होते हैं, ये डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म के थ्रू होंगे। और इन मैकेनिज्म के अंदर हम देखें क्या क्या चीजें होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज वॉटर पोटेंशियल। एज वी नो कि ऑल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स रिक्वायर्स फ्री एनर्जी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए एक एनर्जी की नीड होती है, दैट इज अ फ्री एनर्जी। एंड ये फ्री एनर्जी कहाँ से आएगी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम देखें तो जो फ्री एनर्जी है इट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल टू डू वर्क। किसी भी वर्क को करने के लिए जो पोटेंशियल लगता है ये इसके लिए हमें नीड होती है फ्री एनर्जी की। तो फ्री एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करती है, द पोटेंशियल टू डू वर्क। द फ्री एनर्जी ऑफ वॉटर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉटर की। सो वॉटर पोटेंशियल होता क्या है, वॉटर पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ फ्री एनर्जी। सो हम कह सकते हैं कि वॉटर पोटेंशियल इज फ्री एनर्जी ऑफ वॉटर, इट इज फ्री एनर्जी ऑफ वॉटर। बट इन द रेस्टिंग फॉर्म और स्टैटिक फॉर्म, जब वॉटर एक डैम में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल है हम किसी भी एक डैम का, तो उसमें वॉटर जो है एक स्टैटिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो स्टैटिक फॉर्म में जो फ्री एनर्जी वॉटर में प्रेजेंट होगी, इन द स्टैटिक फॉर्म द फ्री एनर्जी ऑफ वॉटर इज पोटेंशियल एनर्जी। बट वेन द वॉटर विल रन डाउन हिल, जब वॉटर जो है वो डाउन हिल में रन करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर से नीचे रनिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो जैसे ही मूवमेंट होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसे पोटेंशियल एनर्जी ना कह के क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज इन द रनिंग फॉर्म जो एनर्जी होती है फ्री एनर्जी, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एंड जैसे ही वॉटर अपहिल टू डाउन हिल मूवमेंट करेगा, दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो किसकी फॉर्म में थी पहले, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गई इंटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और किसी भी वॉटर को मूवमेंट करने के लिए एक फोर्स की नीड होगी। वॉटर जो है ऊपर से जब नीचे आएगा तो ऊपर से नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज यहाँ पे एक फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ड्यू टू द ग्रेविटी वॉटर ऊपर से नीचे मूवमेंट कर रहा है, सो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। सो सिमिलरली द प्रेशर इज अनदर सोर्स दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू वॉटर। सो वॉटर को कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, प्रेशर दैट कम्स फ्रॉम ग्रेविटी। सो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा मीन्स पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीज एंड फ्री एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज। सो फ्री एनर्जी और वॉटर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस द वॉटर पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। आफ्टर दिस वॉटर पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ केमिकल पोटेंशियल ऑफ वॉटर। हम वॉटर पोटेंशियल को केमिकल पोटेंशियल से भी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज पोटेंशियल इज फ्री एनर्जी ऑफ वॉटर एंड फ्री एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। सो इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल पोटेंशियल ऑफ वॉटर। द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वॉटर, जहां पे वॉटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा वॉटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स वॉटर पोटेंशियल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ वॉटर।
वॉटर पोटेंशियल जो है ये ज्यादा होगा कहां पे? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वॉटर पे. हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वॉटर जहां पे भी होगा, दैट मीन्स देयर इज अ हायर वॉटर पोटेंशियल. हायर वॉटर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी. आफ्टर दिस वॉटर का मूवमेंट हम देखें तो वॉटर मूव्स फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. ये तो बात हो गई डिफ्यूजन की. बट प्रेशर के बेसिस पर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि वॉटर मूव्स फ्रॉम देयर हायर वॉटर पोटेंशियल रीजन टू लोअर वॉटर पोटेंशियल रीजन. एज वी नो कि जहां पे हायर वॉटर पोटेंशियल होगा वहां पे वॉटर की कंसेंट्रेशन हाई होगी. सो वॉटर जो है ये हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट करता है. सो वॉटर पोटेंशियल के बेसिस पर देखें हम वॉटर का मूवमेंट, तो वॉटर मूव्स फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर वॉटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वॉटर पोटेंशियल. आफ्टर दिस जो हायर वॉटर पोटेंशियल वाला रीजन है उस पॉइंट से लोअर वॉटर पोटेंशियल वाले रीजन तक, दिस इज द हायर वॉटर पोटेंशियल रीजन एंड दिस इज द लोअर वॉटर पोटेंशियल रीजन. हायर वॉटर पोटेंशियल रीजन से लोअर वॉटर पोटेंशियल रीजन तक वॉटर को मूव करने में जिस वर्क की नीड है, दिस वर्क प्रोवाइड्स फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ वॉटर पोटेंशियल. यहां पे जो हायर वॉटर पोटेंशियल था एंड यहां पे जो लोअर वॉटर पोटेंशियल था, इन दोनों का हम डिफरेंस लें तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा? दिस रीजन से दिस रीजन तक वॉटर को ले जाने में जो वर्क किया गया है इसके बराबर. सो हम कह सकते हैं द डिफरेंस इन वॉटर पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू द मूव वॉटर टू द हायर वॉटर पोटेंशियल टू लोअर वॉटर पोटेंशियल. आफ्टर दिस यहां पे हमने देखा कि जो वॉटर पोटेंशियल है ये क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट होगा. एंड वॉटर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं इन द वन टर्म, इट इज अ ग्रीक वर्ड साई. एंड वॉटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई डब्ल्यू. आफ्टर दिस एज वी नो कि जो वॉटर पोटेंशियल है इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेशर, बिकॉज जहां पे भी प्रेशर होगा वहां पे वॉटर पोटेंशियल प्रेजेंट होगा. सो वॉटर पोटेंशियल की जो यूनिट है इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज पास्कल. एंड 1 MPa इज इक्वल टू 10 bar. सो वॉटर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू से एंड साई डब्ल्यू की यूनिट होती है पास्कल. आफ्टर दिस वॉटर पोटेंशियल यहां तक हमने देखा. एंड एज वी नो कि वॉटर पोटेंशियल कहां पे प्रेजेंट होगा, जहां पे वॉटर होगा. सो अ प्योर वॉटर जो है, प्योर वॉटर ऐसा वॉटर जिसके अंदर कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, दैट इज अ प्योर वॉटर. इन द प्योर वॉटर द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इज जीरो. इट हैज द वॉटर पोटेंशियल इज जीरो. सो इन द प्योर वॉटर द वैल्यू ऑफ साई डब्ल्यू इज जीरो. बट जैसे ही वॉटर के अंदर हमने कोई सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूट की वजह से केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज होगा. ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज होगा मीन्स वॉटर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा. सो जैसे जैसे वॉटर के अंदर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वॉटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा. दैट मीन्स इट इज द हाइएस्ट वॉटर पोटेंशियल, दैट इज जीरो. सो सॉल्यूशन का जो वॉटर पोटेंशियल होगा दैट इज ऑलवेज निगेटिव. द वॉटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज निगेटिव ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वॉटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और वॉटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो जीरो से कम होगा. द
value that is decreased from the zero, that is negative. After this, हम बात करें कि जो cells हैं, इनमें जब water का transport होता है, तो कैसे होता है? Cells में जब one cell to another cell water का transport होगा, तो हमने देखा था कि it occurs by the diffusion. That means टू सेल्स के बीच में जब वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाएगा. एंड जब वन सेल टू अनदर सेल वाटर मूवमेंट करेगा तो ये क्या करेगा, अनदर सेल के अंदर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और इस वॉल्यूम के इंक्रीज होने से इस सेल की वॉल पर प्रेशर बिल्ड होगा और दिस प्रेशर इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल. वॉटर के एंटरिंग की वजह से जो सेल की वॉल्स हैं इसमें जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है दिस प्रेशर इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल एंड दिस प्रेशर पोटेंशियल is denoted by psi p. And one more pressure is also created in the cell due to the solute concentration. Solute ki concentration ki wajah se jo pressure wall pe create hoga cell wall pe aur jo cell ki jo wall hai is pe jo pressure create hoga due to the solute concentration, this pressure is known as solute potential. And this potential denoted by psi s. So psi s जो है ये कैसा होगा, always positive potential because solute जो है ये increase होगा तो इसका potential भी increase होगा. And the hydrostatic pressure or pressure potential is always negative. After this जो दोनों प्रेशर पोटेंशियल हैं, प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल, इन दोनों को हम रिलेट करें साई डब्ल्यू या वाटर पोटेंशियल से तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, दैट इज वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. सो प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं वाटर पोटेंशियल का. After this, यहां पे खत्म होता है